जाना तारा हाई जो नाला लिखी से तुहार बिया हो कथा ए डियर लाइट बिया कथे अरे डियर लाइट बिया जाली आ रहा तो देखली बलिया इका कहता रे अरे सच्चो कहता नहीं अरे भैया रमो एकदम पक्का बा करिया कुछ कुछ तावा जैसन बाकी जल्दी ऐसन बात रही तो हमार बाबूजी हमार बिया एकरा संग काहे तय करते दहेज खातिर अरे 5.5 लाख में बेचले बाड़े तारा क्या उन्हें देखा माल पानी के लेन देन होखा था समझे जी इले गिले बाबू साहब ये कैसन बात करता नहीं अरे 2-4 लाख रुपया ज्यादा होखी तो हमारा कोनो हरज नहीं खे बस रउआ से एगो प्रार्थना बा हाँ हाँ बोली ना अगर हमारा लड़की से कोनो गलती हो जाए ओके माफ कर दे रउआ चिंता जन करी अब हमारा विश्वास हो गई अब हमर बेटी ससुराल में बहुत सुखी से रही अरे कहे ना भाई हम तोहार बेटी के यहाँ से बहू बना के ले जाता नहीं बाकी अपना घर में एकदम बेटी बना के रखा सही करने का बाबू जी हम तोहार का बिगड़ ले बनी हमारा साथ इतना बड़ा धोखा अरे भैया धोखा ना महा धोखा अदकपारियो भी आई हाफ माइंड पिछली दिवाली की रात साहू जी के कान में जलते चुचुरी ढुका दे ले रहा है परमानेंट बहिर हो गए साहू जी ठाकुर साहब दूल्हा कहाँ गई जटा सिंह जी बाबूजी राजा कहाँ गए अरे राजा राजा तू भाग रहा बा खाली लोग जाई न पावे पकड़ी लोग अरे पकड़ी तो आओ तुम सारे सदा भाग चल 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 भाग रे दादा भाग अरे भागत तानी महाराज और जोर से चला चलाओ तानी अरे भागने वाली चल 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 खुल गई बात अरे चाप मत देख कार में टरवा सारे ताय हमारे बेटों के भगा दे ले आए ला लोटा एज अच्छा अरे दहेज के लालच में तू वो अधकपारी लड़की से होकर शादी कर डाला ये ओकरा के मंजूर ना रहे ता भाग गई भाग चोर मन तो करता तोरा ऊपर पेट्रोल डाल के अगरबत्ती लगा दे ए कक्का अरे भगवान के अगरबत्ती दिखाइबा ता आशीर्वाद मिली और हमरा के दिखाइबा ता का मिली घंटा चुप मन तो करता तोरा के बोटी बोटी काट के कुकुरन के खिला दी हे मटरवा ये बताओ बताओ राजा कहाँ का ट्रेन पकड़ लेबा मुंबई वाली ट्रेन का का मुंबई बाबूजी राजा मुंबई चल गए अरे बाबूजी सुन ले है मुंबई में बात बात पे गोली चलेला दिन दहाड़े गैंगवार होला हे भगवान हमरे हमरे राजा का रक्षा करिया प्रभु बिरजू यादव जेकरा सामने पड़ जाला ओकर मिजाज टंटना जाला का चाहिए भैया चुपचाप 1 करोड़ दे दे 1 करोड़ हाँ 1 करोड़ याद रख अगर 1 करोड़ हमरा के ना मिलल तब तोरा खोपड़ी के खरबूजा बना दे मिजाज टंटना जाई हम तो नौकर आदमी है भैया हमरा जान के जहानाबाद बनौला से तुके का फायदा हुई
अरे अगर बात के बख्तियारपुर करे के बा तो हमरा मालिक सिंघानिया साहब से करा। हम जब भी सिंघानिया के फोन करी ले तो सीधा मुहे बात ना करला, सार उल्टा ही हमरा के धमकावेला। ऐसे तू फोन लगा और ओकरा के बोल अगर हमरा के 1 करोड़ ना मिलल तो ये बिल्डिंग भी उड़ा दे और तोहरा के भी। चुपचाप सीधे ऊपर चले आओ, कौनो चलाकी मत करना वरना एक गोली मारूंगा इसके खोपड़ी में ना, तब मिजाज टनटना जाएगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत बेर हमको कच्चा दिया है सिंघानिया तू, एक गुंडा से गुंडई बुड़बक, आज ऐसा तोहरा के सबक सिखाई कि तोहरा के हमार ताकत पता चल जाई और मिजाज तोहर टंटना जाई। कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, पंजा नहीं मार सकते। आज हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। भाई को फोन लगाओ, लगाओ। इधर लाओ, लाओ। हाँ बिरजू, कहाँ बाड़ा? जिस भाई को जान पर खेल कर 1 करोड़ रुपया लाने के लिए तुमने भेजा है, अगर उसके जान की सलामती चाहते हो तो 2 करोड़ रुपया लेकर अभी तुरंत फौरन आओ, फौरन। ए, कौन बोल रहा है? हमरा भाई के बारे में उल्टा सुल्टा बकता है? तुमको ऐसा मौत मारेंगे कि तुमको तुम्हारा चिता भी नसीब नहीं होगा। हमारी मौत की प्लानिंग करने वाले पहले हमारा नाम तो सुन लो। देवनाथ सिंघानिया कहते हैं लोग मुझे। हाँ, सिंघानिया साहब? हाँ, वही सिंघानिया जिसका शौक है दुश्मनी लेना और दुश्मनों को कुत्ते की मौत मारना। फिलहाल तुम्हारा भाई बिरजू जिस हाल में है, अगर उसी हाल में अपने भाई को पाना चाहते हो तो 2 करोड़ रुपया लेकर आओ, 2 करोड़। वरना जिंदगी भर तुम्हारे भाई को किसी दूसरे आदमी के हाथ की जरूरत होगी, खाने के लिए भी और धोने के लिए। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, हम अभी 2 करोड़ रुपया लेकर आ रहे हैं।
बिरजू भैया भैया हमारा के बचाली बिरजू हम आ गए नहीं इलर रुपया पूरा 2 करोड़ बटे चाहता गिल्ला जिन्हें अपने ईमान पर भरोसा होता है उन्हें दूसरे के ईमान पर शक करने की कोई जरूरत नहीं होती ले जाओ अपने भाई को मगर याद रखना दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो शमशान का पता खुद तुम्हारे घर का होगा मैनेजर साहब जी सर ये रुपया अपने आदमियों में बंटवा दीजिए जी अच्छा जय बेटा जी पापा कल बेटी की शादी है हम लोगों को अलर्ट रहना मुझे लगता है कि ये दोनों भाई कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे चलो सिंघानिया तू व्यापारी हुआ अगर तू अपना पैसा के हिसाब रखे जाने ला तो हम अहू अपना दुश्मनी के हिसाब रखे जाने नी में चढ़ गई बका देख के चला अरे भाई देखने की किसको फुर्सत है किधर जाना है तुमको होटल कौनो सस्ता और अच्छा होटल बताओ क्या दिख रहा है भाई मस्त शादी करके आ रहा है या शादी करने जा रहा है भाई उसे तोरा का मतलब है कोनो सस्ता होटल बताओ ना सस्ता होटल और यहाँ अरे भाई यहाँ होटल लेगा तो महंगा मिलेगा मेरी मानो तो यहाँ से अंधेरी निकल लो वहाँ एकदम सस्ता होटल मिलेगा तो अंधेरी जाए खाती बस कैने मिली बस अरे भाई यहाँ से सीधा सामने जाने का सामने एक टावर गिरेगा टावर से सीधा लेफ्ट जाने का लेफ्ट से एक पुलिस चौकी गिरेगा और पुलिस चौकी से सीधा एक वड़ा पाव की दुकान गिरेगा देही के मेरे उदंड भस गेल बका वड़ा पाव की दुकान पे एक रोपचे माल टका टक बस उसी से पता पूछ लेना बोले तो पता तो हमको भी मालूम है पर पता बस डिपो का हम भी उसी से पूछते हैं पता बताने का 100 रुपए गिरावत गिरावत सरवा खुदे गिर गए अब ना ला अब हम का करें जाए तारा बहनी का देवड़ा सरवा कोटे जाए जी साहब का कहाँ जाना है ले चला कौन अच्छा होटल अच्छा होटल हाँ बैठिए बुझा ताकि सौंसे मुंबई में ही है एगो अच्छा होटल बा
रूम मिली? मिलेगा मिलेगा, सिंगल बेड या डबल बेड? आंख मार के सिंगल बेड। दूल्हा मांगे सिंगल बेड, बात कुछ हजम नहीं हुई। पाचक खा ल, हजम हो जाए। आपकी दुल्हन कहाँ है आंख मार के? एकदम बकचोन रे हवा का। अरे जब दुल्हन लेके आई रहती तब नु डबल बेड मांगती। मतबल ई है, देखो अपना नाम पता ई रजिस्टर में लिखो और एडवांस में 500 रुपया दे दो आंख मार के, समझ गए? चंदू। हाँ सब। ये दूल्हे राजा को 13 नंबर कमरे में ले जाओ आंख मार के। जाइए सर, आराम कीजिए। आइए सर। बाबू जी, मैनेजर सब कुछ तो ठीक ठाक चला था। हाँ। जाके नीचे देख के आवा कि कैटरिंग वाला आयल की ना। अबे हम जाके देखा था। जल्दी जा। हाँ। बैंड वाला कहाँ भर गई? हाँ, अरे ओ बैंड वाले, कहाँ हो गया तुमको यार? कहाँ तक पहुंचे? चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। हे बुढ़बक। जय विजय। जी पापा। देखो बारात आने का समय हो गया है, अपने आदमियों से कहो कि वो बिल्कुल सतर्क रहे। जी। एक भी अजनबी अंदर आने न पाए। आप चिंता मत कीजिए पापा, हमने घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी अपने तमाम आदमियों को फैला रखा है। हाँ पापा, दुश्मन की एक भी गलत हरकत उनकी मौत को और भी तकलीफदेह बना सकती है। बस एक बार बेटी की शादी शांति से हो जाए, मेरा सपना पूरा हो जाए। हो जाएगा पापा। आओ। संजय बेटा जल्दी करो, बारात जाने का समय हो चुका है। मेरी बारात नहीं डैड, मेरी मैयत कहिए, क्योंकि सिंघानिया जैसे खतरनाक डॉन की बेटी के साथ शादी करने का मतलब है जश्न मनाते हुए सुसाइड करना। बस करो संजय, बस करो, ऐसे शुभ मुहूर्त में अशुभ बातें करते हो। अरे मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत ही सीधी है, संस्कारी है और बहुत ही अच्छी लड़की। अरे यमराज के खानदान में क्या अच्छी लड़की और क्या बुरी लड़की डैड, मैं शादी के बाद उसे डांट तक नहीं सकता वरना उसका बाप मुझे गोली मार देगा। लेकिन संजय। लेकिन वेकिन कुछ नहीं डैड, जिंदगी भर के लिए मैं जानबूझ के टेंशन नहीं ले सकता, मैं शादी नहीं करने वाला। क्या बात कर रहे हो संजय, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो सिंघानिया हमारे पूरे परिवार को तबाह बर्बाद कर देगा, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अंजाम चाहे कुछ भी हो डैड, लेकिन ये शादी मैं किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। मैनेजर। क्या है? कुछ गुंडा लोग हमरा पीछे लागल बाड़े, जल्दी से हमरा के कहीं छुपा लो तभी कॉल लगा के। अरे गुंडी के पीछे गुंडे, क्या बात करती हो तुम। हाँ यार, सारा लोग हमरा से जबरदस्ती करे लागन, हम हूँ कोटा रखेनी, चुपका देनी हम फिर भी कॉल लगा के। बहुत ही डेंजर है ये तो। देखो माँ, माने बहन, देखिए आप जो भी है ना, यहाँ पर कोई भी कमरा खाली नहीं है, आप जा सकती है आंख मार के, समझ गई ना? तोहरा पतावा रेप कैसे कैल जाला फेविकॉल लगा के? अरे इसमें फेविकॉल लगाने की क्या जरूरत है, अरे हम है ना, हम तुमको डिटेल में बताएंगे। पहले एक बात बता, ये सब कुछ जानकारी के लिए है कि वाकई कुछ आंख मार के है तोहरा के फसावे खातिर? फसाने के लिए? यदि तू 10 सेकंड के भीतर हमरा के कोनो रूम ना देले तो हम 10 मिनट के भीतर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे कि तू हमार रेप करे के कोशिश कैला, ओकरा बाद तोहर सौंसे जवानी खुद के बेकसो साबित करे के कोशिश में निकल जाए फिर भी कॉल लगा के। ठीक है ठीक है, एक काम करो, तुम खुद ही जाकर देख लो, जो रूम तुमको खाली मिलेगा ना घुस जाना आंख मार के, समझ गई ना? देश का कानून इतना टाइट है कि उसके आगे कुछ टाइट हो ही नहीं सकता,
आंख मार के। कैसन होटल बस सरवा एकरी बहनी के जब पानी नहीं खेप। काए सार जी पानी उन्हें मिली? अरे भाई मुझसे नहीं, चंदू से पानी मांगो। रउआ के बनी देवी जी, और हमारे कमरा में का करता नहीं? माना के हमरे जैसन तू हो भोजपुरी अवाड़, वैसे लोग हमरा के प्यार से दिल्ली कहले, और नाम है तितली। माने हम गईनी बहारी तो तू आ गईलू भीतरी, का काम बा? काम? काम ता आज रात इहे रुके के विचार से आयल बानी, फेवी कॉल लगा के। आई हो दादा, फेवी कॉल लगा के आयल भी आए भैया, एक बार सटी तो फिर हटी ना। बाहर निकल। इहे रहे दो ना। Hi, hi, hi.
जी साहब। कुठे आहे मुलगी? मुलगी कुठे आहे? मुर्गी? यहाँ कौनो मुर्गी नहीं खिसाए? मुलगी मंजे लड़की। मेरे साथ जास्ती भंकस नहीं करने का। मेरा नाम इंस्पेक्टर बीबी काटकर है, समझा क्या? जी, मने बीबी को काटकर। ये श्याणे, जास्ती शान पट्टी नहीं करने का, नहीं तो कान के नीचे बजाऊ क्या? साहब जी, मुलगी ची जूती। जूती? जूती में से पैर किधर गए? चले गए। किधर चले गए? खिड़की मुकी बाहर। शिंदे। हाँ सर। अरेस्ट कर हेला। हाँ सर। हे हे, कहाँ रे? क्यों भाई दूल्हे राजा, शादी करने तू कहीं और जा रहा था और सुहागरात मनाने कहीं और चला गया? अच्छा, एक बात तो बता मुझे, 3-4 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकता था तू? इंस्पेक्टर साहब, अब रहुए बताए, भला हम का सुहागरात मनाए? हम तो खुदे शादी के मंडप से भागल बनी। बोले तो शादी के मंडप से भागकर तू आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था? अरे ना महाराज, बर्बादी से बचे खाती मंडप से भागल बनी। बोले तो अब कितना बार बताई बहिर मनिका जी, कहा कि हमार बिया जबरदस्ती एगो अदकपारी लड़की से कराओ जात रहे। अदकपारी? बोले तो हाफ माइंड। ओके, फिर क्या? हम लाख मना कहीं नहीं, बाकी हमार बात माने पर केहू राजी ना भइल। आ लड़की के बाप बहुत बदमाश। तो तू बड़ा शरीफ है, दिखला सनी के बुझा। शिंदे जी साहब, लॉकअप में डाल इसको। जी साहब। ए चल, ए जान पूछने की कर, चल 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 पूछने की कर। ए लत का तन रे दादा, जा तो गवनी भात तो ना खनिए, तारा बहनी के हम भाड़ा पर आ के तार बहन फरो लोग। हाँ तो चुलाल में दाग कहाँ से लागोले, तो गला लोग दाग कहाँ से लागोल। अजा जा उन हुई तो उन देखल जे तू जा बाबू। दूल्हा भाग गया। दूल्हा भाग गया? दीदी दीदी, दूल्हा तो भाग गया। क्या बकते हो, दूल्हा कैसे भाग सकता है? त्रिलोक चंद, जरूर तुमने उसे भगाया होगा। ये क्या कह रहे हैं सिंघानिया साहब? आप, आपकी बेटी तो मेरी बहू बनने वाली थी, और फिर ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी सिंघानिया साहब। लेकिन तुम्हारे बेटे ने दुर्भाग्य का काम किया है, अगर वो लड़का नहीं मिला तो दुनिया हंसेगी मुझ पर, मेरा मजाक उड़ाएगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं। पापा, प्लीज जाओ, जाके उस लड़के को कैसे ढूंढ के लाओ, इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ। पापा, ढूंढ के लाएंगे उसे। आप रिलैक्स, आप आराम से बैठिए, टेंशन मत लीजिए पापा, हम उसे जरूर वापस लाएंगे। पापा आराम से, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, इंस्पेक्टर घोसले हमारा आदमी, हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ आप चिंता एकदम मत कीजिए मालिक, उसके पीछे सारा हम अपना आदमी लगा दिए हैं, कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के यहाँ पर लाएंगे ही। हेलो, कौन? जय सिंघानिया। हाँ पापा से बात करो, एक मिनट। भोसले, मैं सिंघानिया बोल रहा हूँ। बोलिए सिंघानिया साहब, क्या कहा, दूल्हा भाग गया? हाँ, वो मंडप से भागा है। एक मिनट सिंघानिया साहब, एक दूल्हे को पकड़ा है अभी हमने, शादी के मंडप से भागा है। हाँ हाँ, शेरवानी पहने हुए है। हाँ वही है। लेकिन ये बोलता है कि आप लोग बदमाश हैं, इसके लिए आपकी बेटी से शादी नहीं करेगा। भोसले, ये सिंघानिया की इज्जत का सवाल है, उसे पकड़ कर उसी पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखो, हमारे आदमी अभी जा रहे हैं, समझे? नमस्कार इंस्पेक्टर साहेब। नमस्कार, कहिए। सिंघानिया साहब ने हमको भेजा है। आपने जो दूल्हे का दुमका पकड़ कर रखे हुए हैं, उसी को हम ले जाने आए हैं। शिंदे, दूल्हे राजा को ले आओ।
वाह इंस्पेक्टर साहब, आपने जो पुण्य का पुर्निया किया है, भगवान आपको कन्यादान का कटियार देगा। ठीक है ठीक है। अभी कौन आप फता गिल रहे? अरे भगचुनारा, जब एक बार कह देनी कि वो बदमाश के बेटी संगे बियाह ना करब ना करब ना करब। हे बबुआ, ढेर फड़फड़ा के फारविस गंज मत बना, तोहार बियाह के बथना उहे लड़की से होई, एकदम ना होई। इसको जल्दी से ले जाओ यहाँ से। ए, पकड़ के लाके। अरे तोरी बहनी का। गन। पिस्टल। चला बाबू। एकर बढ़िया से कस के मुबाद के उठा के ले चला। अरे लाइक को क्या हो गया? जल्दी कीजिए जजमान, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ पंडित जी ठीक बोल रहे हैं। अरे कोई जनरेटर तो ऑन करो। जनरेटर के चक्कर में जजमान मुहूर्त ही निकल जाएगा। पंडित जी अंधेरे में शादी शुरू कीजिए। हाँ पंडित जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृष स्वाहा स्वस्ति नो महा विष्णुः स्वस्ति तथा सर्वेषु संस्कारम संपूर्णम। अरे ये किसको उठा के ले आए? पूछी पूछिए लोगन से। अरे हम तो यहाँ आवे खातिर तैयारे ना रही, बाकी लोग हमके बंदूक के नोक पर यहाँ उठा के ले आई ले। तो हम अहू सोचनी कि राम जी के ही है मर्जी बा। चला बाबू। लेकिन तुम हो कौन? नाम राजा सिंह, ग्राम जुकोहरी पोस्ट महोली घाट थाना कृष्णगढ़ जिला भोजपुर आरा बिहार पिन नंबर 80-23-16। अरे तुमको डाक से नहीं भेजा जाएगा जो अपना पिन नंबर बता रहे हो। ये तो देहाती गंवार है। ए लड़के, एक गंवार होके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंघानिया की बेटी से शादी करने की? बक मर दे। पूछी अपना बेटी से, हम कब कहानी की इनका से बियाह करेगे चाहत रही। ए पंडित जी। जजमान इसके उल्टे फेरे करवाओ, ये शादी टूटनी चाहिए। उल्टे फेरे से शादी नहीं टूट सकती जजमान। तो तुम क्या कहते हो, इस बुद्धू गवार को मैं अपना दामाद स्वीकार कर लूं? नहीं पापा, हर किसी नहीं। एगो बात बताई, गुंडागर्दी से बियाह करवावल यहाँ के कोनो रसम है का? ए तुम चुप रहो। ए वकील इधर आओ। जी सर। तुम खड़े-खड़े मुंह क्या देख रहे हो, ये शादी कैंसिल करने का कोई रास्ता निकालो। रास्ता है सिंघानिया साहब, तलाक। ले लाना तलाक, हमका कोनो लव मैरिज के लिए बनी जे रुआ बेटी के तलाक देवे में हमारा इतराज हुई। फिर भी तलाक इतनी जल्दी नहीं हो सकता भाई सिंघानिया साहब, इसमें समय लगता है। ए, रहता कहाँ है तू? 25 बार बताई बतौनी है ना। ग्राम जुकोहरी पोस्ट मोहली घाट थाना कृष्णगढ़ जिला भोजपुर आरा बिहार पिन नंबर 80-23-16। तुम मुंबई में कहाँ रहते हो? यहाँ हमारे को संगतिया रहेला, ओकरे पास रहे के प्रोग्राम रहे, लेकिन अगर पता ठिकाना हमारा मालूम नहीं थे, ऐसे सोचा था नहीं कि
वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम भाग गए तो हम तुमको ढूंढते रह जाएंगे तुम्हारा पिन कोड नंबर लेकर। ठीक कहा तुमने। ए लड़के, जब तक तलाक नहीं हो जाता तुम कहीं जाओगे नहीं। और सुनो, मैनेजर से कहो इस लड़के को बंगले में हिफाजत से बंद करके रखे, भागने न पाए। ये तो गड़बड़ हो गया, सड़क छाप लड़के के साथ लड़की की शादी हो गई। सिंघानिया साहब की बदनामी तो होगी ही, साथ साथ हमारी पार्टी का नाम भी खराब हो जाएगा। सर जी, किसी भी तरह से यह शादी टूटनी चाहिए, वरना अपोजिशन वाले अगले इलेक्शन में इसे मुद्दा बनाएंगे और पार्टी का नाम तो खराब होगा ही और स्टेटस भी गिर जाएगा। मैं जानता हूँ, अब या तो तलाक होगा या सिंघानिया साहब को पार्टी से निकालना पड़ेगा। यस सर। राधिका देख, तू इतना परेशान मत हो, तुम्हारी बहुत जल्दी तलाक हो जाएगी उस जाहिल गंवार से। पर मैंने कब कहा कि मुझे उसे तलाक लेना है? लेकिन अंकल तो उसे बंगले में लेके आए हैं तलाक देने के लिए। सोनिया, चाहे वो जैसे भी है, अब वो मेरे पति है और हमने अपनी को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए हैं और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया है। अब बबुआ, खाना के खलपुरा तो हो गई, आई रहल तो हर रूम के रसीद पूर, बाकी देख ला, जब तक राधिका के साथ तोहार तलाक ना हो जाई, तब तक तू मजे के बजे पूर्वे आराम करा। तोहार नाम कहा चाचा? गोपाल, गोपाल राय। देखो ये गोपाल चाचा, 5 दिन से दुल्हा के ड्रेस पहिनले पहिनले हम पगला गइल बानी, एने ओने जेने तेने खुजली हो रहल बा, जदि तू कहत त खाली कछिए पसु जाइका। आई हो दादा, अरे नाक कटा जाई, नाक रख मत। नाक कैसे कटा जाई? कछी के भीतर नाक खोला। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे इतना बड़ा सिंघानिया साहब के दामाद आ कछी पहनी? छी 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 छी, अरे नाइट सूट पहनल जाला हिया बुझाइल। हाँ, एक काम करा, तू रुका, हम तोहरा खातिर कपड़ा भेजता नहीं है, ठीक ना? सिंघानिया का होके वाला दामाद मंडप में पहुंचा से पहले ही भाग गई। अच्छा, और रास्ते पे चलत एगो आदमी के पकड़ के ओकर बियाह कर दियल गई। तो ओकर भाग तो चमक गई, लेकिन सिंघानिया तो गईल। हाँ भैया, सिंघानिया का अब तक पगड़ी भी उछली और पार्टी से भी निकालल जाई। पार्टी से निकालल जाई तो कर ताकत जाई तेल लेवे, आ ताकत जाई तेल लेवे ओकरा बाद हमनी ओकरा के कुत्ता के मौत मारब जा, ना भौंक पाई ना काट पाई। हीरा से बड़ा नगीना ना, और सरजू से बड़ा कमीना ना, ए सिंघानिया ता गईल। हाँ भैया, दुश्मन के बर्बादी के खुशी में आज हमनी के मिजाज टंटना जाए के चाही। हाँ, आज ता जसन होखे दा।
मालिक, हम ही कहना चाह रहे हैं कि बांद्रा तालाब वाला बिल्डिंग कंप्लीट। अरे बाबुआ, अब तू हो नाश्ता कर ला। अब आग मर दे। क्यों, क्या हुआ? सिंघानिया साहब, धर्म कर्म भी कोनो चीज है कि ना? सूत उठ के गपा गप भोजन, ई कोनो बात भइल? हैं, तू कहे के का चाहत बड़ा? गोपाल चाचा, आज सोमवार है, आ शिव जी के जल चढ़ौले बिना हम नाश्ता तो दूर पानी तक ना पीला। पता चला है बगले में शिव मंदिर बा। जय भोलेनाथ। ऐसे कब तक रहने का विचार है? गलती से टकरा गई लिया, माफी चाहता हूं। आपने मुझे गिरने से बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेंशन नोट बोलिए ना। माने? ऐसा तब बोलते हैं जब कोई धन्यवाद या थैंक यू बोलता है। ओफो सोनिया, छोड़ना। अच्छा, पकड़ तूने रखा था और मुझे बोल रही है छोड़ने के लिए। चल हट। तुम सिंघानिया साहब की बेटी राधिका हो ना? अच्छा, तो आपको मेरा नाम भी पता है? बक, उतर आते गोपाल चाचा से तुम्हारा नाम सुन ले रही। वैसे पूजा पाठ में तुम्हारा बहुत मन लगे ना? हाँ, इससे मन को शांति मिलती है। और आपको? हम तो आयल रहे भोले बाबा के जल चढ़ावे, लेकिन देवी के दर्शन हो गए। राधिका, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ तो है। जय भोलेनाथ। अरे बोलो ना। अरे, ये तो सिंघानिया की बेटी है। जद एकरा के हम उठा ले, सिंघानिया साला उहे करेगा जौन हम चाहेगा। ए, आज मिजाज टंटना जाए के चाहिए। कौन है तुम लोग? क्या चाहिए? भैया छोड़ दे जा। मारो साले को। ये तो हमार दोस्त राजा हवे। तो चल के जल्दी से अपना दोस्त के बचाओ, फेविकॉल लगा के। ए, तोनी के तना मारब, इतना मारब के बंद चलावे खातिर मरद उधार खोजे के पड़ी। अ तुझे उन्ने बजावा, हम यहाँ बजावा तानी। तब कैसे? हम बता बता नहीं।
तू लोग जा घरे। राजा, अरे भैया, तू यहाँ मुंबई में? मत पूछा हरी, बहुत बड़ा कहानी बा भाई। तो हमनियों के सुनावा ना, फेविकॉल लगा के। तू? यहाँ पहुँच गई लू? चौंके की कोनो जरूरत नहीं खे राजा, हम तार पीछा करके नहीं की पहुँचनी, बल्कि संजोग से पहुँच गई नहीं हाँ। वो दिन तोरा चलते हमके पुलिस पकड़ के ले गई, का जरूरत है हमारा रूम में चप्पल छोड़ के भागे के? भक्ति ना तो का करती, सटल रहती फेविकॉल लगा के। अरे हम पूछा था नहीं चप्पल छोड़ के काहे भगलू? कपड़ा उतार के कैसे भगती? एक है कहां से पकड़ के ले आईला? अरे इतनी तेली बिया, छपरा जिला से आईल बिया, हमरा साथे नाच गा के चार पैसा कमाए खातिर। इनकर नाच हम देख ले बानी। कभी हमार दिल भी देखा राजा, फेविकॉल लगा के। एकरा बाती के बुरा ना मरिया, बोल चाल में चाहे जैसे होके, बाकी स्वभाव में एकदम चिक्कन बिया। चिक्कन होके चाहे रूखर, ये दिल बिल के चक्कर में हम नहीं की पड़ सकत, जाता नहीं। भाई 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 सुनी ना, यहाँ मुंबई में ना हमनी के एको छोट के बिहार बसौले बा, जोगेश्वरी तबेला के बगल में, ओकर नाम बा आरा कॉलोनी, और अपन गांव देश के बहुत सारा लोग रहेला भाई, तो हम चाहब रहुओ चली ना हमार बस्ती में। ठीक बा, चलब आज ना काल। तो ठीक बा, हम काले ही जाए जब रहुआ लेवे खातिर। पक्का? पक्का भैया। कभी चप्पल छोड़ के ना भागे के चाहिए। हम तो चप्पल छोड़ के भाग रही, तू तो दिल लेके भाग गई ले राजा। आप ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? आपके मुंह से भोजपुरी अच्छी लगती है। सही? अच्छा तो ये बताओ, तुमके कहीं चोट तो ना लगल? आपके होते हुए भला मुझे कैसे चोट लग सकती है? क्या खो मारा अपने उन बदमाशों को? उन लोग तुमके छेड़त रहे, भला हम कैसे छोड़ती? अरे आपको तो चोट लगी है। हे हो ब्यूटी के खजाना, बड़ू लव लेटर के पाना। ए हो ब्यूटी के खजाना, बड़ू लव लेटर के पाना। मनवा लागे नहीं जब से दीदार भइल बा, ए जान हो तोहरा से प्यार भइल बा। ए जान हो सचहू के प्यार भइल बा। जिंदगी संवर गइल प्यार तोहर पाके, राखब कर जावा से हरदम सटके। जिंदगी समर गाइल प्यार तोहर पाके, राखब कर जावा से हरदम सटके। पहला बेर के हुओ पे एतबार भइल बा, ए जान हो तोहरा से प्यार भइल बा। ए जान हो सचहू के प्यार भइल बा। ला 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 ला।
लाखों में से एक तू ही मिलल बड़ू यार हो, रूपवा के अपने बनाला पहरेदार हो। हो लाखों में से एक तू ही मिलल बड़ू यार हो, रूपवा के अपने बनाला पहरेदार हो। अखिया अखिये में बतिया करार भइल बा, ए जान हो तोहरा से प्यार भइल बा, ए जान हो सचहू के प्यार भइल बा। राधिका, ये हमार दोस्त हरी। नमस्ते। और ये हमार मेहरारू। का? तो आर भाऊजी। अरे ये बात हमरे आरा कॉलोनी वालन के पता चली तो धमाल हो जाई भाई। राधिका, हरी हमरा के अपना बस्ती ले जाए खातिर आइल बा। हाँ। यदि तुहु चलबु तब तुहसे मिलके गांव के लोग के बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी होगी, लेकिन अरे भौजी तू चिंता मत करा, चला चली। ए, क्या हंस रहा है? ड्राइवर जी, मैम साहब चलो घर जाना है। मैडम गाड़ी का दो टायर पंचर हो गया है, पता नहीं कैसे। फिर घर कैसे जाएंगे? मैडम गाड़ी बनवाने में तो टाइम लगेगा, तब तक आप पकड़ लो टैक्सी और चलो आप, तब तक मैं गाड़ी बनवा के आता हूँ। ओके जी। राजा, आज हम तोहरा करे जा पर बिजुरी ना गिरा देली तो हमार नाम भी तितली रानी ना, फिर कॉल लगा के। तितली, ओहो तितली, तू एजा बैठल बड़ो? हरी तोहरा के बाहर बुलावा तड़े। आपन बस्ती में हरी के दोस्त राजा आइल बा। का? हाँ। राजा राम सीता की जोड़ी बने रहे, जुग जुग जिए विधवा। अरे वाह कितना अच्छा जोड़ी बा। हे तिल्ली, उन्ने का खड़ी बाड़ू हो, हिन्ने आवा। लोग इनका प्यार से तिल्ली कहेलन, नंबर एक के डांसर बाड़ी, और इहन राधिका राजा भैया के पत्नी। हमनी के सौभाग्य बा, भैया और भौजी आज हमनी के बस्ती में आयल बाड़े। मौका भी बा, दस्तूर भी बा, भैया भौजी के खुशी में नाच गाना होके के चाहिए। तितली, आज ले तो नाच गा के बड़ा जिला हिलौलू, आज ऐसा नाचा की बस्ती का पूरा मुंबई हिल जाए।
का तू ही का हाथ बाड़ू तितली प्यार और राजा से? हाँ हरी, जब से हम राजा के देखले बनी तब से ही हमरा प्यार हो गई। सपना से निकल के हकीकत में आवा, तोरा के पता होके के चाही राजा के बियाह हो चुकल बा। जब प्यार भइल तब ये बात कहाँ पता रहे? अब तो पता हो गई ना, अपना दिल के समझावा। जे बीत गई से बात गई, बाहर बस्ती के लिए तुहार इंतजार करत बाड़न, तुहार नाच गाना देखे खातिर। ना हरि ना, हम नहीं खिना सकत। फटल करेजा गावे गीत, दुख सहे के यह बरीत। हमनी के तो ही काम है हवे, नाच नौटंकी कह के दूसरा के मनोरंजन कई। आपन दुख दर्द के हमनी के कोनो किमते नहीं के, एही से आज तोहरा के गावे के पड़ी, नाचे के पड़ी। चला कह दे नीना, हम ना गाइब, तू जा यहाँ से। जैसे तुहार मर्जी। ए भैया भौजी के साथ ले आवा। अच्छा का बात बा? भौजी के छोटकी बहिनियो बोलावा। बोलावा तने रुको। ए भैया भौजी के साथ ले आवा, भौजी के छोटकी बहिनियो बोलावा, ठुमका लगावा मस्ती में। उतरल बा चाँद देखा आज हमरा बस्ती में, उतरल बा चाँद देखा आज हमरा बस्ती में, उतरल बा चाँद देखा आज हमरा बस्ती में। लागता ते जैसे देवी देवता के मूरतिया। बड़ा भाग्य ऐसन बनेला दोनों जोड़ा, साचो में केहू नहीं ज्यादा बड़े केहू नहीं थोड़ा। एकदम ठीक बोला तरु। बड़ा भाग्य ऐसन बनेला कोनो जोड़ा, केहू ना ज्यादा बाटे केहू ना थोड़ा, ऐसन आदा बा दोनों हस्ती में। उतरल बा चांद देखा आज हमरा बस्ती में, उतरल बा चांद देखा आज हमरा बस्ती में। के प्यार हम ता कबो ना भुलाई, मौसम सुनहरा दुबारा ना आई। ठीक है कहता रहे भाई। उछल उछल के नाचता भाई। अच्छा मौसम सुनहरा दुबारा ना आई। उछल उछल के नाचता भाई, और मन दिलवा
के कश्ती में उतरल बा चांद देखाया जी अपना बस्ती में। उतरल बा चांद देखाया आज हमारा बस्ती में। उतरल बा चांद देखा आज हमारा बस्ती में। उतरल बा चांद देखा आज हमारा बस्ती में। तुम लोगों से कितनी बार मैंने कहा कि जब तक उस गवार का तलाक राधिका के साथ नहीं हो जाए तुम लोगों से अकेला नहीं छोड़ोगे, मगर तुम लोगों ने मेरी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पापा कहाँ गई थी तुम और इस गवार के साथ क्या कर रही थी, जवाब दो। पापा मैं मंदिर गई थी और वहाँ गाड़ी खराब हो गई तो ये मुझे यहाँ ले आए। ए लड़के एक बात कान खोल के सुन लो, ये सच है कि राधिका के साथ तुम्हारी शादी गलती से हुई है, लेकिन हकीकत यह भी है कि उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि राधिका के साथ तुम्हारा तलाक होने वाला है। लेकिन पापा, और जिसके साथ तलाक होने वाला है उसके साथ घूमने से कोई फायदा नहीं। भाग मरते हमार मतलब जब सच्चाई सबके पते बा तो हमें बदनामी के सवाल कैसे। इसलिए कि सच जब तक चप्पल पहनता है झूठ तब तक पूरे समाज का चक्कर लगा चुका होता है। हेलो, हाँ वकील साहब। वाह ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने, चलिए कल कोर्ट में ही मिलते हैं। ओके बहुत बड़ी खुशखबरी, वकील साहब का फोन था, कह रहे थे कि तलाक के सारे कागजात तैयार हो चुके हैं। बस कल तुम दोनों को कोर्ट जाना है और उसके बाद तलाक हो जाएगा और फिर तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस नकली रिश्ते से मुक्त हो जाओगे। के पेपर तैयार है, कल सुबह कोर्ट भी जाना है, अब क्या होगा? उहे हुई जे नसीब में लिखा लोए। नसीब? अगर नसीब में तलाक ही लिखा होता तो भगवान हमारी शादी गलती से क्यों कराते? हो सका था कि हमनी के साथ इतने दिन तक लिखा लोगे। नहीं राजा नहीं, हमारा साथ सात जन्मों तक का है। ये सच है कि हमारी शादी गलती से हुई थी, मगर ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी लेकिन तलाक के पेपर पे साइन नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हाँ वकील साहब, हमें मालूम है। ठीक है, हम समय पर कोर्ट पहुंच जाएंगे। ठीक, ओके। रामू कमला
जी मालिक। जी मालिक। तुम राजा को बुलाओ। जी। और सुनो। जी। जाके राधिका को बोलो जल्दी से आ जाए, हमें कोर्ट पहुंचना है। जी मालिक। जय, गाड़ी निकालो। मालिक, राजा साहब कमरे में नहीं है, पूरा बंगला देख लिया, नहीं मिले। मालिक, राधिका दीदी अपने कमरे में नहीं है। क्या हुआ पापा, चलिए ना। राजा और राधिका दोनों गायब। What? अपने आदमियों से कहो कि वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारे, मुझे वो दोनों चाहिए किसी भी कीमत पर। जी पापा। चलो भाई, ये हमारी इज्जत का सवाल है, बच के कहां जाएंगे। एगो बात हमरा समझ में भी नहीं खियावत कि तू दोनों भागत काहे बड़ा। तोहनी पति पत्नी बाड़ो, बालिक बाड़ो, पूरे समाज के सामने तोहनी के शादी भइल बा, तब भागे के का जरूरत बा। राजा, कानून भी तोहरा साथे बा, अपना पत्नी के अपना साथे गांवे ले जा। चलबू ग्राम जो हरी पोस्ट मौली घाट थाना कृष्णगढ़ जिला आरा भोजपुर बिहार पिन नंबर 80-23-16। ये सटे के टाइम ना हो तभी कॉल लगा के। चली अब जल्दी से पटना एक्सप्रेस पकड़े और निकल जाइए अपना गांव में। ठीक कह दिया। देखते क्या हो, मार डालो साले को। सार हवे, सारे बन के रहो। ए भैया, ट्रेन सिटी दे दिलस, लगातार खुले वाली भैया। राजा के ख्याल रखिए। कभी कभी हमने के भी याद कैल करिया, फिर भी कॉल लगा के। तोरा लोग के ये एहसान हम कभी भुला नहीं खे सका। जल्दी चला भैया, ट्रेन खुल जाई। हाँ। मंडप से हमार नाक कटा के फरार हो गेल रहले और अब पधरले बाड़े उहो शहर से डायरेक्ट ब्याह करके। बेटा जटाशंकर, हमार पोता ब्याह करके आइल बा, कोनो चोरी चकारी करके नहीं खे आइल, जे तू भबक रहल बाड़ा। बाबूजी,
उहे तो हमहू कहतानी। बाबूजी माई ठीक कहती है। अरे खाक ठीक कह रहल बिया, खेत एक मुकदमा चल रहल बा, घर में तोहार बहन जवान कुंवारी बैठल बिया, बबलू के पढ़ाई लिखाई के पैसा जोड़े के बा से अलग और ऊपर से ये नौटंकी। तो ऐसे काहे न कहती कि दूसरा के खेस बेटा पे निकालता नहीं। गुड़िया खेस बटलो ही पे। अरे मटरुआ मुहावरा तो सही बोल, सही मुहावरा है चौतन के खीस कठौती पे। वह वह बाबूजी अब ज्यादा ना खिसाई, दुल्हन घर के लक्ष्मी होली हमनी के दुल्हन के स्वागत करे चाहिए। अरे लड़की पगला गेल बिया। बबुआ जी बम्बई से ब्याह कई का आयल बाड़ा तो लड़की के जात पात कुल खानदान और धर्म का पता बाकी ना। ए जी जात पात से का होला, लड़की के बुद्धि विचार असंस्कार अच्छा होके के चाहिए। अच्छा अब तू भी हमारा के बुद्धि देबू। एकरा बुद्धि बा तबे तो दे दिया, जेकरा बुद्धि नहीं खे से का दी। जेकरा केसे नाते झारी का। अब, 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 अरे मटर हुआ मुहावरा तो सही बोल, जेकरे नोहे ना से बकोटी का। हाँ दद्दा। ए बाबूजी ना हमरा के झारे के बा ना बकोटाई के बा, बाकी राउर पोता जौन कैले बा ना उ ठीक नहीं खे कैलस। सुना जब तक माई बाबूजी के पैर ना छुआ वो ना तब तक लोग रिसी आई ले रही हैं, जा जाके पैर छुआ जा। सदा सुहागन रह बहू। दूधो नहाओ पुतो फला। हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा। माई आरती उतारे ना। देखा परेशान मत होगा, बाबूजी बहुत सीधा हमें एक दो दिन में पिघल जी। हाँ बबुआ बहु इन्हें आओ। भैया भाभी टकाटक बाड़ी माइंड लोई। चला भित्री चला चला। आवे भौजी चला चला बेटा। तुम दोनों ने छुपाया है उन दोनों, अब सच सच बता दो वो दोनों कहां है, वरना तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है ये पूरा मुंबई शहर हमारे नाम से कांपता है। देखिए हमार गल चिकन जरूर है, बाकी हमार अकल ना चिकन है ना किस्मत, इसीलिए तो आज तक हम लोग को चिकन काम किए ही नहीं, और जो भी कुछ किए आप ही किए, अपन बिटिया के ब्याह किए और हमसे पूछ रहे बेटी दामाद कहां गया। चुप रहो। कैसा दामाद, मैं इस शादी को नहीं मानता। लेकिन कानून तमाने ला फेविकॉल लगा के। कानून कैसन कानून है बबुनी,
कानून के कोइलवर साहब पाकट में लेके पहले जा घाट घूमेलन। ए लड़की कान खोल कर सुन लो, हमने अपनी जिंदगी में दो चीजों का हिसाब कभी नहीं रखा, टेंडर में बोली और गुस्से में गोली। और इस बात को गिदड़ भपकी मत समझना, अब सच सच बता दो वो लोग कहाँ हैं? राजा के गांव। कहाँ है उनका गांव? हमको पता है साहब, अरे वो बार बार अपने गांव का नाम हमको बताता था, वो भी पिन नंबर के साथ। यह विजय। जी पापा। राजा के गांव चलने की तैयारी करो, हमें अपनी बेटी को लाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो खून की नदियां भी बहा देंगे। ए साहब, बुरा न मानी तो एको बात कहे, बिहार में रउआ से एको पत्ता भी नहीं ली, फिर भी कॉल लगा के कहे से कि वहाँ बच्चा बच्चा के हाथ में कट्टा होला। और एक बात और जान ली, अजेकर मेरी सुंदर ओकर होला ठट्ठा, और जे बोलेला खट्टा ओकरे पे चलेला कट्टा। सही कहता रो, काट के फेंक दिए ना तब पता भी ना चली कि सिंघानिया के रहे, ओकर बाल बच्चा के रहे और ओकर पता ठिकाना का रहे, फिर भी कॉल लगा के। शट अप, निकल जा तुम दोनों यहाँ से, वरना तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके गली के कुत्तों को खिला दूंगा। ये लड़की सच कह रही थी साहब, अगर बिटिया को सही सलामत लाना है तो दादागिरी के दाऊदपुर दिखा के नहीं, बल्कि प्रेम के पंचरुखी दिखा के लाना होगा। मतलब वहां जाके हम लोगों को बोल के बनियापुर में मिठास का मढ़ौरा घोलना पड़ेगा। लेकिन ये हो कैसे सकता है? भोजपुरी सीखना पड़ेगा। भोजपुरी? भोजपुरिया लोगन के रहन सहन तौर तरीका ये सब सीखना पड़ेगा, फिर हम लोग जाके बिटिया के समझा बुझा के लेके चले आएंगे। ओ तो रवा लोग के भोजपुरी सीखे के बा, ये जान के हमरा बड़ा खुशी भइल कि रवा लोग के मन में भोजपुरी प्रेम हिलोर मार रहल बिया। ए मास्टर, बैठो। बैठे। सॉरी मास्टर, हम भोजपुरी बोलना तो दूर, हम सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हमें मजबूरी में एक इमरजेंसी केस है, इसलिए सीखना पड़ रहा है। इमरजेंसी केस? ऐसन कौन इमरजेंसी पड़ गई महाराज? ज्यादा बको मत, अगर तुमने हम तीनों को 3 दिन के अंदर ठीक से भोजपुरी नहीं सिखाया तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जरूर सिखा दे, बाकी तमाम चवाता हटा ली महाराज। अच्छा एक बात बताइए, भोजपुरी सीखने के लिए इसका व्याकरण भी सीखना पड़ेगा? ना ना, एकदम में ना, यह तो एगो भाषा हो जेकर कोनो मानक व्याकरण नहीं खे, जे जेतने बड़ थे थोर ओकर व्याकरण ओतने मजबूत। तो ठीक है, इसको भोजपुरी में कह के बताओ, चाहे दर्जनों खून कर डालो मगर पुलिस के सामने यही कहो कि हमने एक मच्छर भी नहीं मारा। सात बेर सतुवन अब हतार के आगे दातुवन। कमाल है, भोजपुरी में इतनी बड़ी बात इतने कम शब्दों में बोली जाती है। जी महाराज, जैसे हिंदी में लमहर को बात के पूछा जाला क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो भोजपुरी में अतना लमहर बात के पूछल जाला छोटा हन में ढूकी ढूकी ढूकी। और इसको क्या कहेंगे कि हम दबंग जरूर हैं लेकिन पढ़े लिखे भी हैं। पढ़ला फारसी या बेचला तेल, देखो भैया करम के खेल। और अगर रास्ते में अगर टॉयलेट लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? पापा पूछ लेता हूँ, पता नहीं रास्ते में कब लग जाए। हाँ हाँ पूछ लेते हैं। बताइए अगर रास्ते में टॉयलेट लग गया तो उसको क्या कहेंगे? झाड़ा लागल वा। झाड़ा लागल बा। झाड़ा लागल बा। बा।
जी बिल्कुल सही। मास्टर एक बात बताओ, इसको भोजपुरी में क्या कहेंगे? कि अपने घर में जो करना हो करो, मगर दूसरे के घर में करने के लिए 5 बार सोचना पड़ेगा। अपन घर हग हग भर, दूसरा के घर में थू थू कहूं मैं डर। भौजी तोहरा में जादू बा जादू, इतना बढ़िया खाना ई घर में पहली बार बनल बा। देखिए खाते खाते अंगुरिया मत खा जाइए। देखा बहू, मेरारू के बड़ाई भइल त लइका सुर में सुर मिलावे लागल। केस की कबल जी बोली ना, राजा के माई, हमार बहू के पैर बड़ा शुभ बजी, खुश रहा बहू, सदा सुखी रहा। अरे अरे हमने के मुकदमा जीत गई लीजा। सच? हाँ सच। भगवान से ये प्रार्थना बा कि उनकर कृपा इस परिवार पर सदा बनल रहे। अरे दुल्हन, तू भोजपुरी जाने लू? जानत ता नारायणी हा, लेकिन इनका संगे धीरे धीरे सीख गई नहीं। इस परिवार के प्यार पावे खातिर हम कुछ भी कर सके नहीं। रसीला भइल रसदार, सबका से नेक बड़ू धनिया हमार। होठवा रसीला भइल रसदार, सबका से नेक बड़ू धनिया हमार। सुनाए सजनिया बड़ू लक्ष्मीनिया, जी एक तू ही आधार। डोलेला जियारा हमार, देख तोरी पातर कमरिया। डोलेला जियारा हमार, देख तोरी पातर कमरिया। रूप लागेला सुनर सलोना, हमरा हिस्सा में मिलल बसोना। खूब चमकाता घर अंगनवा, जगमग लागे कोना कोना, जगमग लागे कोना कोना।
सूरज के किरणिया चांद के चंदनिया फीका बस ओझा तोहार मनवा हो खेला बेकरार मरेलू जब तिरछी नजरिया डोले लजिया रहमा देख तोरी पातर कमरिया जान महारे जमनिया ये रानी पोरे पोरे भरल बाना दानी अब तक खुशी के नहीं खे ठिकाना लागे पागल भइल हम बानी लागे पागल भइल हम बानी सुनाए सुगनिया मन के मोहनिया साचा मिलल हमरा प्यार कैसे करी इंतजार पास तनी साटा गुजरिया डोले लजिया रहमा देख तोरी पातर कमरिया साहब जी प्रणाम साहब जी अरे मैनेजर साहब हमरा मालूम बा कि हमरा का बतावे आयल बानी नयका बिल्डिंग के हिसाब किताब दिखावे आयल बानी काम 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 अरे महाराज जीवन भर कामे करत रहब घूमी फिरी मौज मस्ती करी सिनेमा देखी कांदीवली में सिनेमा लागल बा उठ उठाई ले घुंघटा चांद देखला जाई देखी अरे भोजपुरी फिल्म बड़ा मजेदार होला सही बोलनी नु मैनेजर साहेब अब बोली हमार भोजपुरी कैसन लागल राउड गप के गाजीपुर सुन के हमार हृदय के हाजीपुर में आनंद आ गई सरकार आनंद आ गई आनंद ता बाई मैनेजर साहब राजा के गांव जाए के तैयारी करी हम अपना बेटी के तले के अब्बे करब बाकी अपना भोजपुरी जवान के मिठास से राजा के जिंदगी में जहर घोलते अरे रघुवीर चाचा राउर घरे पतो नहीं खेली साक्षात लक्ष्मी आइल बड़ी साक्षात लक्ष्मी हमनियो के पता बा पर बात का भइल अरे गांव में सरकारी अस्पताल के मंजूरी खातिर सरकारी ऑफिस के चक्कर लगावत लगावत हमर जूता खिया गइल बाकी मंजूरी ना मिलल लेकिन ई राधिका बहु डिप्टी कलेक्टर से मिल के ना एक हफ्ता में ई काम करवा देली अरे भाई तो पतो के कर बिया है चुप कर जब बहु आई रहे तब तक तू देसी मुर्गी के छिला लंडा जैसन मुंह बनेले खड़ा रहलो आज बड़ा बबाई लुटत बड़ा है
बाबूजी जी प्रणाम, ये दादाजी जी प्रणाम, और ये मुखिया जी प्रणाम, हमारे छोट भाई और ये सिंघानिया साहेब, अरे प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम, और हम राजा के ससुर, और ये हमारे बेटा जय और विजय, और ये हमारे मैनेजर गोपाल जी, आओ भाग की रहुआ सब हमारा घरे पधारनी। धुकी अब मतलब मतलब अंदर चली। चली पापा, प्रणाम पापा। खुश रह, सदा सौभाग्यवती रह। पापा आप मुझसे नाराज है ना? नाराज वो कह के बेटी, अरे अरे औलाद के खुशी में तब बाप के खुशी होला, हम कह के नाराज होगा। अच्छा आप सब बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा आई आई। बाबूजी अचानक रहुआ यहाँ? सरप्राइज देबे आ गई निया। रहुआ भी हमरा बिना बतौले राधिका के लेके यहाँ आ गई नी। बाद में हम सोचनी तब अपना गलती के हमरा बड़ा एहसास भई। कुछ रस्म रिवाज भी बाकी रह गए रहे, एक तो बेटी बिया कौन अरमान में कमी न रह जाए। अरमान? हाँ बेटा, हमनी के समाज में एकरा के पग फेरा कहल जाला। जोना में लड़की बियाह करके फिर नैहर लौट जाली आ दामाद जाके ले आवल। जी हमनी के यहाँ एके दोंगा कहल जाला। तो समझी कि हम अपना बेटी के दोंगा करावे आइल बानी, अगर रउआ लोग की मर्जी होके तब। समझी जी, एकर मतलब ये भइल कि राउर हमार घर आंगन सुना करा आइल बानी जा। अरे भाई जब बहू चल जाए तो सब कुछ सोना हो जाए ना, बाकी रउआ ओकर पिता बानी, रउआ के भी हक बना, भला हमनी के का इतराज हो सकेला? अरे जब रउआ इतराजे नहीं के तो फिर बात का बा, जल्दी से विदाई कर दी। आज बड़ा शुभ दिन बा। हाँ समधी जी पहला बेरी घर आयल बानी। आज तो जलसा होके के ही चाहिए। हाँ बाबूजी, रउआ कह देनी तो जलसा शानदार होके। घर आए समाधि पहुँच।
तमर करी जा। इतना टेंशन में गए बाड़ू? अरे तोहके तो आज और खुश होके के चाहिए। तुहार बाबूजी तोहके विदा करा के ले जाए इल बाड़े। ये बात कितने चिंता हमरा खाए जा रहल बा कि पापा अचानक से यहाँ आ गइलन। न जाने काहे बहुत डर लागता। हमें डरे के का बात बा? तुहार पापा बिल्कुल बदल गइल बाड़े। बिटिया के जुदाई उनसे सहल ना गई। देखलू है ना, शहरी से गवाई बन गई और हमनी के भाषा भी सीख लेलन। कुछ भी हो, हमरो के छोड़ के कहीं ना जाए। हम कुछ दिन बाद मुंबई आके तुमके ले आए ना? नहीं रोहा, हमरे संगे चले तब हम जाए। ना तो ना। अच्छा ठीक बा, हम आऊं तोरा साथे चलब। खुश तनी मुस्का दो, काहे कि तू जब मुस्कालू ना तो ऐसा लागेला जैसे गरीब के झोपड़ी में लल्टीन जर गिल होके। त्योहार बीत जाए, लड़की फिर वापस आ जाए। ठीक बात। अच्छा दादाजी, आशीर्वाद बेटा। प्रणाम। चलिए चाचा। प्रणाम। खुश रहा। अच्छा प्रणाम। प्रणाम। आई। अरे उतर जाए भो। अरे बहुत भारी बा जी। अब आ गया दी। जी 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 प्रणाम। अच्छा प्रणाम। प्रणाम। जल्दी आई है। खुश सदा सुहागन रहा। सदा सुखी रहा बहू। बेटा बहुक लेके जल्दी वापस आ जाइए, नहीं तो हमनी के मन न लागी। जी बाबूजी, हमनी के बहुत जल्दी वापस आ जाए। हाँ बेटा, खुश रहा, जल्दी आइए। चल भैया भाभी, बाय बाय। आजा बेटी। नमस्ते वाली। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। कमला अंदर ले जाओ और गाड़ी से सामान निकाल लो। आओ बेटा। राजा बेटा, अरे हम तुम्हारे गांव गए, तुम्हारे माता पिता जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। हमको पहली बार पता चला कि शहर से अलग एक दुनिया भी है। लेकिन तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। उठ रामखोर, हमारी बेटी को लेके भागा था, भूल गया कि वो सिंघानिया की बेटी है। सिंघानिया के अगर तू पताल में भी छिप जाएगा ना तो मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। कमरे में बंद करो। पापा प्लीज। पापा प्लीज, राजा को मत मारिए पापा। पापा मेरे राजा को छोड़ दीजिए पापा। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। तरहुआ यही खातिर अपना अपन का दिखावा करके गांव से हमने यहाँ लेके आई नहीं। हाँ एक बात रहुआ भूल रहल बानी, राधिका हमर मेहरारू हिया। लीजिए सर। हाँ
चुपचाप तलाक के इस पेपर पर दस्तखत करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना यहाँ से तू नहीं तेरी अर्थी जाएगी। चाहे रहुआ हमार जान ले ली, बकीर हम साइन ना करब, तलाक नहीं खी दे सकत, कहे कि हम राजका से बहुत प्यार करीला। हट! हम तुम्हें तब तक मारते रहेंगे जब तक तुम राधिका का नाम नहीं भूल जाओ। सिंघानिया साहब, भोजपुरिया जवान है, जियल भूल सकीला, लेकिन ओकरा के नहीं भुला सकत जेकरा संगे जिए मरे की कसम कैले बानी। प्यार कैले बानी कोनो चोरी ना। सिंघानिया साहब, मारे के बाद तो दिल पर गोली मारी, दिल पे। राजा जिंदा, मैंने हवा में गोली चलाई थी, और ये लो डाइवोर्स पेपर, इस पर दस्तखत करो। नहीं, मुझे मार डालिए, लेकिन मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूंगी, मैं राजा के बिना नहीं जी सकती। तो राजा के साथ रह कभी तुम जिंदा नहीं रह सकती, इस पेपर पर दस्तखत कर दो, वरना हम तुम्हें नहीं, हम राजा को गोली मार देंगे। नहीं। हाँ, अभी इसी वक्त हम राजा के हाथ पैर बांध कर लोकल ट्रेन के आगे फेंक देंगे, जहाँ हर 5 मिनट पर एक ट्रेन गुजरती है, और इस तरह से समझ लो कि 1 घंटे में उसकी लाश के इतने टुकड़े हो जाएंगे, पुलिस को भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा टुकड़ा उसके शरीर के किस हिस्से का है। और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो, शाबाश। और अब इस कागज पर अपने साथ साथ राजा के भी दस्तखत करवा कर ले आओ। तू एक पेपर पे साइन मत करिए। हम साइन कर चुकल बानी। ऐसा नहीं हो सकत, ये सब झूठ है। तू साइन नहीं कर सकत, कहे कि हम तो उसे बहुत प्यार करीला, और यदि ये लोग हमके मारे के चाहता ना, तो हम मारे खाती तैयार बानी। राहुल विधवा बन के जीते जी मरला से तो अच्छा बा, क्या रहुआ से दूर रह के मर मर के जिंदा रही। रहुआ हमरा से दूर जहां भी कहीं जिंदा रही, हमरा संतुष्टि तो रही कि हमने के प्यार तो जिंदा बा, और फिर एक ना एक दिन वो भगवान के भी तरह जरूर आई, और आपने के मिलन जरूर हुई। देखा, हमेशा जीतने वाला सिंघानिया फिर जीत गया। आज की रात इस जीत के नाम। मुबारक हो सिंघानिया साहब, आपने अपनी बेटी का तलाक करवाकर पार्टी की छवि को खराब होने से बचा लिया। अगर ये तलाक नहीं होता
तो अपोजिशन वाले इसे मुद्दा बना सकते थे। ठीक कहा। सिर्फ जाम ही टकराना है या फिर कुछ और भी बंदोबस्त है? अरे आपके परेशान हुए के कोनो जरूरत नहीं है साहब। इस खुशी के मौके के खातिर हम दूगो बनारस से आइटम बम ले अलबानी। सामई रंगीन बाटे, मौसम हसीन बाटे, गर्दा उड़ा देव महफिल में, धीरे से उठाई बचे छटकी घघरिया, गर्मी चढ़ा देव सबके दिल में। ए हो फूल झरी, बोला बोला ना, ए हो उड़न परी, कहा एने आवा, ए हो फूल झरी उड़न परी, अखिया तनी मिलावा, हमरी ले ला हो तुमका तनी लगावा। ऐसन मामा रह तू नजरिया, हिला के नाचे हो हिला के, ऐसे मामा रह तू नजरिया, अटरिया हा हिल जाई हो, ऐसे मामा रह तू नजरिया, अटरिया हा हिल जाई हो, 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 छुआ बजे पत्थर कमरिया, नाचो नाचो नहीं प्रेमी के प्यार हो, कहे खाती लोग तब बनला दीवार हो, जन्मो जन्म के नाता तुर देल कहें विधाता, नहीं के नैया पीछे धारा कहे भगवान तब किनारा बनला, दुखवा के दिन हमरा भाग में लिखाए, दिल के सपनवा कुले लोर में धुआए। लागी नहीं छूटे रामा प्रीत के बन्हनवा, सजनी के बिना कैसे रही सजनवा, उहे तबड़ी हमर जान हो, उनके में बसेला परान हो, होखेला दीवाना दिल बड़ा ही संजोग से, केहू के प्रीत काहे पचना ही लोग।
हो गई है मालिक। विजय, डॉक्टर को फोन लगा। हेलो डॉक्टर, मुबारक हो सिंघानिया साहब, आपकी बेटी मां बनने वाली है। क्या जी? अब क्या होगा पापा? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये बात अगर बाहर फैल गई तो बड़ी बदनामी होगी, और इस बार इलेक्शन भी लड़ना है। विरोधी इसको मुद्दा बना दे। आखिर क्या क्या जाए पापा? अब तो एक ही रास्ता है, एबॉर्शन। नहीं नहीं, ये मेरे राजा की निशानी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो जान ले लूंगी। हाँ हाँ, मैं जान ले लूंगी। नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। क्यों? क्या इसलिए कि ये मेरी वजह से इलेक्शन का टिकट नहीं मिलेगा आपको? विरोधी पार्टी इसे मुद्दा बनाएगी? आपको राजनीति की चिंता है, करोड़ों की जायदाद की चिंता है, समाज में अपनी हैसियत की चिंता है, लेकिन मेरे सुहाग की चिंता नहीं, मेरे होने वाले बच्चे की भी चिंता नहीं है, मेरी भी चिंता नहीं है। तो मैं जीकर क्या करूंगी पापा? मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए पापा। नहीं 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 बेटी, ऐसा मत कर। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो तुम्हें पसंद नहीं है। हाँ बेटी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हेलो। हेलो सिंघानिया साहब। खुराना साहब नमस्ते। नमस्ते सिंघानिया साहब, आप इसी वक्त पार्टी के हेड ऑफिस में आ जाइए। अभी? जी हाँ अभी। लेकिन आपका आना बहुत जरूरी है सिंघानिया साहब, क्योंकि इलेक्शन के टिकट का बंटवारा करना बहुत जरूरी है, जल्दी आइए। लेकिन प्लीज कम सून। ठीक है, आता हूँ। थैंक यू। राधिका का ख्याल रखना। जी पापा। घड़ी दो घड़ी के साथ रहे, बाकी जिंदगी भर याद रहे। भूल चुक होके तो माफी चाहता नहीं। निकल ना तो यक्का गोली में तोर मिजाज टंटना जाई। चल बाहर निकल। सरजू यादव नाम है हमार, जेंगा हीरा से बढ़ के नगीना ना होला, ओंग सरजू से बढ़ के कमीना ना होला। रुका रुका।
सिंघानिया, आज हम तुम्हारी ऐसा सेवा करेंगे कि तुहार मिजाज टनटना जाएगा। देखला हमार पावर, जब चाहती ना चूटी लेखन मसल के रख देती। सरजू यादव नाम है हमार, सरजू यादव। भैया छक छओ गोली डाल दी का खोपड़ी में। ना अभी तो एकरा बेटा से 10 खोखा वसूले के बा, बोले तो 10 करोड़। ओकरा बाद एकर ऐसन हाल करब कि जिंदगी भर एकरा दूसरा के हाथ के जरूरत पड़ी, खाए खातिर भी आ धोए खातिर भी। भैया एक हाथ दूरो काट दे, काट दे, काट दे, काट। ए मारा संसार के आ
राजा, राजा, राजा। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। वेरी सीरियस डॉक्टर। डॉक्टर जितना रुपया चाहिए तुम ले लो, जितनी दवाइयां चाहिए तुम मंगवा लो, लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसकी जिंदगी बचा लो डॉक्टर, इसकी जिंदगी बचा लो। देखिए आप परेशान मत होइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इन्हें अंदर लेके आओ फास्ट। राजा, 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 पापा, पापा, राजा को क्या हुआ पापा? राजा को कुछ नहीं होगा। हाँ वो ठीक हो जाएगा पापा, प्लीज। घबराओ मत, राजा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। खून बहुत बह चुका है और पेशेंट की बॉडी में ब्लड की बहुत कमी है। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम अभी ब्लड बैंक में जाके ब्लड का बंदोबस्त करते हैं। देखिए मैंने ब्लड बैंक में बात कर ली है इंटरकॉम से, बट ऐसा है कि मरीज का ए पॉजिटिव ग्रुप होने के कारण वहाँ पे ब्लड अवेलेबल नहीं है। ब्लड का इंतजाम जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो मेरे शरीर से ब्लड का एक कतरा ले लीजिए, लेकिन मेरे राजा को बचा लीजिए डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, पापा बोलिए ना। मेरा खून ले लीजिए, हम सब का खून ले लीजिए, लेकिन राजा को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, कुछ नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर प्लीज। हाँ डॉक्टर। सिस्टर इन लोगों का ब्लड टेस्ट करो। आप सब मेरे साथ आइए। सॉरी सर, किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर सिंघानिया साहब का ब्लड ग्रुप मैच कर गया। वेरी गुड सिंघानिया साहब, आप अंदर आइए। घबराओ मत बेटी। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा, अब डरने की बात नहीं है। जाए की इजाजत चाहता नहीं, लेकिन जाए से पहले कुछ कहो। भगवान सबके एक जैसन बनौले बाने, लेकिन इंसान आपस में एक दूसरे के नाम दे देले बा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मराठी बिहारी गुजराती पंजाबी, अरे सबके सीना में एक ही जैसन दिल बा। त हर केहू के हक बा प्यार करेगी, ऊंच नीच के भेदभाव भुला के हर केहू के इंसान कहलाए के जाए, हर केहू के हिंदुस्तानी कहलाए के जाए। हमके लागा था कि हमार भाषण कुछ लंबा हो गई, खैर गलती सलती होके तो माफी चाहता नहीं। राजा तू एगो ऐसन गलती करके जा रहल बाड़ा जकरा खातिर तोरा के माफ ना कइल जा सकेला। अरे ऐसे बढ़ के गलती का हुई कि अरे तू अपना अपना मेहरारू के छोड़ के जा रहल बाड़ा। राजा अरे तू तो हमार आँख खोल देला, अब चाहे सौंसे दुनिया हमार दुश्मन हो जाए, अके हम तोरा के अकेले ना जाए दे, अकेले ना जाए दे। अरे तू तो ई घर के दामाद बाड़ा और ई घर के दामाद रह बा, हमेशा रह बा। देखा था बाड़ा सटाल फेविकॉल लगा के। होठवा रसीला भइल रसदार, सबका से नेक बड़ू धनिया हमार। हाँ होठवा रसीला भइल रसदार, सबका से नेक बड़ू धनिया हमार। सुन
नए सजनिया बाड़ू लक्ष्मीनिया जी एक तू ही आधार डोलेला जियारा हमार देख तोरी पातर कमरिया डोलेला जियारा हमार देख तोरी पातर कमरिया लागेला सुनर सलोना हमरा हिस्सा में मिलल बसोना खूब चमकाता घर अंगनवा जगमग लागे कोना कोना जगमग लागे कोना कोना सूरज के किरणिया चांद के चंदनिया फीका बसो जा तोहार मनवा हो खेला बेकरार मारेलू जब तिरछी नजरिया डोले लजिया रहा हमार देख तोरी पातर कमरिया।